वेलकम टू जायरा किचन। महाशिवरात्रि के अवसर पर हम बनाएंगे राजगिरे के आटे का हलवा। एक एक कटोरी चीनी और राजगिरे का आटा, आधी कटोरी घी और एक टीस्पून हम इलायची का पाउडर लेंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। एक कटोरी चीनी और उसी कटोरी से नाप कर दो कटोरी हम पानी डाल देंगे और जब तक चीनी घुल नहीं जाती हम इसे चलाते रहेंगे। अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हो तो आटे से आधी चीनी ले सकते हैं। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो हम इसे उतार के साइड में रख देंगे। व्रत में हम सिंगाड़े का और कुट्टू के आटे का हलवा भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हम आटे को अच्छे तरीके से घी में भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून घी लिया है और जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 कटोरी आटा डालकर अच्छे से भून लूँगी। आटे को हमें लगातार चलाना है, बीच में छोड़ना नहीं है वरना आटा नीचे चिपक सकता है। जब आटे का कलर ब्राउन हो जाए और इसमें से थोड़ा घी रिलीज होने लग जाए तो इसका मतलब आपका आटा तैयार है। सिंगाड़े के आटे में कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं। कहा जाता है कि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। व्रत में सिंगाड़े के आटे का हलवा खाने से हमें एनर्जी मिलती है और भूख भी कम लगती है। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी डालते समय हो सके तो आप अपना गैस या इंडक्शन ऑफ कर दीजिए वरना आपके ऊपर छींटे उछल सकते हैं। चाशनी डालने के बाद आप गैस वापस ऑन कर दीजिए और लगातार इसे चलाते रहिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालूंगी। आप चाहे तो चाशनी में भी इलायची का पाउडर डाल सकते थे। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूंगी। राजगिरे के आटे का हलवा बनाने में घी की मात्रा बहुत ही कम लगी है। आप चाहे तो 2 टीस्पून घी आप ऊपर से और डाल सकते हैं जिससे कि हलवे में घी की खुशबू बहुत ही बढ़िया आए। हलवे ने पूरा पैन छोड़ दिया है, हमारा हलवा बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं या ऐसे ही गरम गरम सर्व कर सकते हैं। व्रत का हलवा बनके तैयार है, हेल्दी और टेस्टी हलवा बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।